हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर तनया। और मैं हूँ आपकी प्यारी तनया। और पता है आपको तो बैकग्राउंड देख के लग ही रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, या मैं मम्मी के घर पे हूँ। मैं मम्मी के घर पे आई थी डांस क्लास करने। मैम ने कहा था ट्यूजडे को नहीं कराएंगे, थर्सडे को कराएंगे, तो मैं आज आ गई थी डांस करने। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लग रहा है, तो लिप बाम लगाया था ना, शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया है, और इसलिए मैं मम्मी के घर पे आई थी डांस करने। पर मैम ने फ़ोन कर, मैं आ गई, उसके बाद मैम ने फ़ोन करके कहा कि डांस क्लास नहीं होगा, कैंसिल। तो अभी क्या करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि क्लास तो होने से रहा। और मम्मी यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर रही है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर रही है। और मैं अपना ट्राइपॉड साथ में नहीं लेके आई हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा, मतलब वीडियो करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। देखिए मम्मी, आप क्या बनाने की कोशिश कर रही थी? मैंने डोसा बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये क्या हो गया मुझे नहीं पता, ये लगता है भूसा हो गया। ये तो भूसा हो गया। मैं इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। हाँ, डोसा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डोसा तो नहीं हुआ, भूसा हो गया। तो मम्मी डोसा बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने हमें डोसा खिला सके, लेकिन डोसे की तरह भूसा हो गया, अच्छी तरह से नहीं बन रहा है डोसा, क्योंकि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा था। फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई कर रही थी पर नहीं हुआ, डोसा बनाने की कोशिश कर रही थी, पर जो भी हो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बनेगा, कुछ तो पकेगा जो हम खा सकेंगे। ओके, और दोपहर को हम लोगों ने खाया था चिकन और राइस। तो मम्मी एक बार सबको हाय बोल दो। हाय नहीं बोला आपने? हाय। सब आप बहुत फेमस हो गए हैं सब में, सब आपके बारे में बहुत पूछते हैं सब आपके बारे में बहुत पूछते हैं कि आपकी मम्मी बहुत ही, मतलब आप लोगों को बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही फनी मूड में रहती है। और ये मेरा बेटा है जो अभी सो रहा है, तो वो उठ जाए तो मैं, हम चलेंगे घर की तरफ। तो अब थोड़ी देर बाद भूसा खाते खाते बात करेंगे, थोड़ी देर बाद। बाय बाय। फाइनली बन चुका है डोसा, देखिए बोसा नहीं बना है, डोसा ही बना है, काफी अच्छा बना है। ये मैं खा रही हूँ, देखिए सॉस के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में, डिलीशियस, बहुत यम यम। तो इसमें उड़द की दाल है, चावल और अंडा दिया है मम्मी ने, थोड़ा सा फ्लावर ऐड किया है क्योंकि पहले चिपक रहा था, उठ नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास डोसा तवा जो है वो नहीं है, तो बैटर चिपक रहा था, तो थोड़ा सा मैदा दिया है, तो बहुत टेस्ट बना है, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी। अभी मिलती हूँ खा के, जस्ट वेट। हेलो, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ घर। और ये है मेरी सिस्टर, ये है मेरी सिस्टर। बिना ट्राइपॉड के बहुत प्रॉब्लम होता है, घर जाके ट्राइपॉड मोबाइल सेट कर लूंगी। और मैं अपनी मम्मी को कब से बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा बाहर तक छोड़ के आए, लेकिन देखिए क्या करे जा रही है तब से, क्या कर रही हूँ, योगा करे जा रही है तब से। तो पूछते हैं मेरी मम्मी क्या कर रही है। मम्मी अब क्या कर रही हो? मैंने योगा कर रहा हूँ। क्यों कर रही हो योगा? क्या होता है योगा करने से मम्मा? मेरी तबीयत अच्छा होता है, मेरा एलर्जी किया, मेरा स्पॉन्डाइलिटिस कम हो गया, मेरा बहुत फायदा हुआ इस योगा से, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अच्छा, तो योगा करनी चाहिए इससे मम्मी का बहुत बीमारी, मेरा मम्मी का बहुत बीमारी ठीक हो गया, तो मेरी मम्मी योगा कर रही है। तो अपनी बेटी को यहाँ पे बिठा के योगा करने बैठी हो, तो मेरी मम्मी ने योगा के ऊपर बहुत सुंदर, मेरी मम्मी ने गाना बनाया है, योगा की इतनी बड़ी फैन है मेरी मम्मी, वो कंटिन्यू 12 इयर्स से योगा कर रही है, इसलिए उन अभी भी मुझसे भी ज्यादा यंग है मेरी मम्मी। मतलब काम में मैं थोड़ा काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मेरी मम्मी देखिए कंटिन्यू कर ही जा रही है। तो मेरी मम्मी ने गाना बनाया है योगा के ऊपर, मैं वो गाना मेरी मम्मी के मुंह से आप लोगों को सुनाती हूँ, एक मिनट। वो गाना गा दो जो आपने योगा के ऊपर बनाया है। तुझे देखे देखे सोना, तुझे देखे देखे जगना, मेरी जिंदगानी, मैं तो उसका हर बतानी, उसका मैं मेरी मेरी जान जान जान, मैं व्याम व्याम करी सुबह शाम, अनुलोम विलोम कपालभाति। तो मम्मी का गाना कैसा लगा? ये बहुत पहले का उन्होंने बनाया था, बहुत पहले उन्होंने गाना बनाया था। और अभी हम जा रहे हैं घर,
तो मैं घर जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, घर जाके आपसे बात करती हूँ। मेरा बेटा अभी उस घर में है अपने मामा के साथ, ये देखिए अपने मामा के साथ बैठा हुआ है मेरा बेटा। यहाँ का लाइट थोड़ा मतलब ये बारी जाती, यहाँ का लाइट थोड़ा खराब है इसलिए मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। लाइट थोड़ा खराब है मतलब थोड़ा लाइट कम है तो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ घर, तो मिलती हूँ घर जाने के बाद, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बजे है सुबह के 12:15 और मैं अभी छत पे खड़ी हूँ और हमारे पास ही के घर में देखिए शादी हो रही है। यहाँ पे शादी का बैंड बाजा बज रहा है तो यहाँ पे बस शादी देख रहे हैं हम लोग, तो शादी देख रहे हैं मतलब बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ पर कोई भी नहीं है यहाँ पे दिखाने लायक, तो चलिए। तो मैं नीचे आ गई और अभी मैंने बेडशीट चेंज किया है, अपना बेडशीट चेंज करके पिलो कवर्स लगा रही हूँ और मेरा तो सब कुछ इसी बेड पे रहता है। मेरे बेटे का ड्राइंग, मेरे बेटे का खाना, मेरे बेटे का कूदना नाचना सब इस बेड पे, और या फिर हमारे नीचे का जो हमारे ससुर जी का जो बेड है, मेरे सासू माँ का जो बेड है उस बेड पे। तो ये सब चेंज करना पता है, नहीं तो बीमारियाँ लगी रहती है। तो मैं इसे हफ्ते में एक बार चेंज कर लेती हूँ, मेरे ससुर जी सासू माँ का भी बेड का मैं चेंज कर लेती हूँ ऐसे ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल के बाद मैंने और ब्लॉग नहीं बनाया एज यूजल, कल के बाद मैं बिजी हो गई और ब्लॉग नहीं बनाया। एक मिनट, ये यहाँ पे मैंने चादर चेंज किया है बेड की, तो वो यहाँ पे है, इसको मैं बाहर रख देती हूँ। कल हमारी घर की जो दीदी है वो आएंगी तो वो धो देंगी। आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी कोई कुछ भी करने का। और ये हमारे भगवान जी है, भगवान जी सबकी रक्षा करे। और जो मैं बताने वाली थी, कल घर आने के बाद थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल मतलब क्या बोलते हैं, सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई। मैं क्या बोल रही हूँ खुद भी नहीं पता, सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि कल मैं घर आई, मैंने कहा था आप लोगों से लास्ट ब्लॉग में, मेरी बिंदी देखिए लास्ट ब्लॉग में, कि मेरी ससुर जी की तबीयत ख़राब थी तो उन्हें चेकअप के लिए लेके गए थे, तो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम मतलब थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो चुका है हार्ट की, चेकअप पे वो पता चला है। और वो हमें कुछ बोलते नहीं थे ठीक से, इसलिए उनका चेकअप हुआ, उनके बाद पता चला उनकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। तो थोड़ी टेंस्ट में, जितना खुश में माँ की कि मैं थी घर आने के बाद उतना ही टेंस्ट हो गई। और अभी उनका अभी दूसरे जगहों पे कंसल्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही दवाइयों से मतलब ठीक होगा। बस इसको लेके थोड़ा टेंस्ट थे घर पे, आज सुबह से बहुत टेंस्ट है, हम सब बहुत ज़्यादा टेंस थे। और बस यही और यही और क्या, मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा टेंस्ट है, बहुत ज़्यादा। वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं घर पे, वो अभी शॉप पे गए हैं। और मतलब एक सिचुएशन, एक ख़राब सिचुएशन हो गई है। और यहाँ पे जो मैंने दिखाया, शादी हो रही है हमारे पास के घर में शादी है। सॉरी, एक कॉल आ गया था तो वीडियो मेरा बंद हो गया। तो पास के घर में हमारी शादी है, आवाज़ आ रही है ना बैंड बाजे की, तो पास के घर में शादी है हमारी, तो वहाँ पे इनविटेशन है। तो घर में जितना सिचुएशन है, किसी का भी जाने का मन नहीं है, किसी का भी जाने का मन नहीं है शादी पे। पर ससुर जी बोल रहे मतलब बाबा बोल रहे कि नहीं, उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, कोई ना कोई तो जाना ही चाहिए। तो देखते हैं, शायद मैं और मेरे सासू माँ जाएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे, और ससुर जी का तो तभी ठीक नहीं तो वो जाएंगे ही नहीं, शायद मैं और मेरी सासू माँ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। और अभी सुबह के 12:15 बज चुके हैं, यानी अभी दोपहर होने वाली है, और थोड़ा लेट लेट चल रहा है काम, बस इसको लेके डॉक्टर्स के बाद फोन करना, ये करना, सुबह से बस यही चल रहा है डिस्कशन। सॉरी फ्रेंड, फिर से कॉल आ गया था मेरे हस्बैंड का। और यहाँ से बहुत डार्क आता है, बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि मेरे घर में बहुत डार्क आता है। तो आता है क्योंकि मेरे घर की लाइटिंग ठीक नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि लाइटिंग से सिर्फ एक ही लाइट है इस तरह की। मेरा बेटा आया हुआ है। डंडा लेके आया मेरा बेटा। तो बस मेरे हस्बैंड के साथ बातें चल रही थी कहाँ क्या करना है। तो अपॉइंटमेंट लिया है मंडे का उनकी, मतलब कोलकाता में एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाएंगे, जाके वहाँ पे देखेंगे क्या करना पड़ेगा। सब रिपोर्ट्स लेके जाएंगे, जितने भी रिपोर्ट्स किया हुआ है इतने दिनों में सब कर लेके जाएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो होप फॉर द बेस्ट, और इसलिए सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ओके।
चाय, तो अभी बजे है 3:30। मैंने आपसे बात की थी लास्ट 12 बजे से पहले, उसके बाद मैंने और बात नहीं की। और अभी मैं क्या कर रही हूँ देखिए, फुटबॉल खेल रही हूँ मम्मी बेटे के साथ। और ये फूल क्या कहते हैं हिंदी में नहीं पता, फूल खा रही हूँ, सासू माँ ने दिया है वो लेके आई थी बाजार से, और अभी ये खा रही हूँ और उसके साथ खेल रही हूँ। मैं उसके साथ नहीं खेल सकती, बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत ही हार्ड खेलता है। तो मैं ऐसा खेलू ना, अभी भी इस ब्लॉग को मैं खत्म करने वाली हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लेंदी पड़ रहा है। एक सेकंड डार्क कर रहा है, मैं सिर्फ लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो गाइज अभी इस ब्लॉग को मैं ही ख़त्म कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब दूंगी और कैसे दूंगी मुझे नहीं पता, मैं इसको एडिट करके पोस्ट कर दूंगी आज ही। ये मेरा बेटा फुटबॉल लेके जो शुरू कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि सिचुएशन घर की थोड़ी ठीक नहीं है, तो जब भी वक्त मिलेगा ब्लॉग में बनाती रहूँगी, जब भी वक्त मिलेगा मैं ब्लॉग देती रहूँगी, थोड़ा बहुत अपडेट्स देती रहूँगी, लेकिन कब मैं आपसे फ्री होकर बात कर सकूँगी ये नहीं पता मुझे। और लाइव में आऊँगी रोज़, जब भी टाइम मिलेगा मैं लाइव आती रहूँगी, शायद 2 टाइम्स करके ना हो, 1 टाइम के लिए हो, मैं लाइव आती रहूँगी। और तो अभी इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और देखिए मेरी गले की हालत फिर से ख़राब हो गई है, मैंने फिर से डॉक्टर दिखाया, एंटीबायोटिक लिया है मैंने, तो एंटीबायोटिक खाते खाते तो मतलब एकदम बेहाल सी हो गई, और मेरा क्या बोलूँ मैं। तो मैं अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।